राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, राशन डीलर निलंबन की मांग, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। कामा की ग्राम पंचायत बिलंग के सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच अमीन खान के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर राशन डीलर निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर एसडीएम सुरेश यादव को ज्ञापन दिया। पूर्व सरपंच अमीन खान ने बताया कि ग्राम पंचायत बिलंग का राशन डीलर ग्राम पंचायत के गांव लाडलाका का निवासी है, जो राशन को अपने ग्राम लाडलाका ले जाकर वितरण करता है, जो कि गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है, जबकि राशन वितरण मुख्यालय ग्राम पंचायत पर होना चाहिए, जो नहीं करता। उपभोक्ताओं से राशन डीलर द्वारा अभद्रता पूर्वक बात की जाती है और राशन नहीं दिया जाता, जिसे आक्रोशित होकर सैकड़ों ग्रामीणों ने आज उपखंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और एसडीएम सुरेश यादव को राशन डीलर असलम के निलंबन की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। उपखंड अधिकारी सुरेश यादव ने ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। ग्राम पंचायत बिलंग में असलम डीलर है, 1 वार्ड से 6 वार्ड तक, जबकि वो कभी भी 2 दिनों से ज्यादा राशन नहीं बांटता, और जब वह ज्यादा कहाँ उठा के अपना गाँव लाड लगा राशन उठा के ले गया दुकान में से, रजिस्टर्ड दुकान जबकि ग्राम पंचायत बिलंग में ही है, बिलंग ही है, और वह सारी चीज बंदूक का लठ का बड़ पे अपने घरे बांटे, और पूरा गांव परेशान है। 6 किलोमीटर का रास्ता है कच्चा, वहां से आना जाना में वाहन बेटी को बड़ी असुविधा है।